उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसका सेवन करके आप ब्लैक फंगस की बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ साथ ब्लैक फंगस का खतरा भी बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है और बहुत से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। दोस्तों, ऐसे में हम आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपको ब्लैक फंगस की बीमारी से बहुत आसानी से बचा सकेगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होगी। आप 11 पत्ते तुलसी के ले लीजिए और एक चम्मच अदरक का पेस्ट, और इन दोनों के साथ आप एक चम्मच शहद मिला लीजिए और इसका सेवन सुबह खाली पेट कर लीजिए। बनाने का तरीका इसको बहुत आसान है। 11 पत्ते तुलसी लेकर और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेकर इसको साफ कर लें और एक साथ मिलाकर इसको कूट लें। जब ये पेस्ट बन जाए तब आप इसमें एक चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर इसका सुबह खाली पेट सेवन कर लें और कुछ दिनों के लगातार सेवन से आपके जो ब्लैक फंगस का खतरा है वो पूरी तरह से टल जाएगा। इससे इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी। दूसरी चीज हम आपको एक और बता दें, यदि आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप दवाओं का सहारा लेकर अपने शुगर के लेवल को कम कर लें, इससे भी आपका ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। तीसरा जो उपाय है उसके लिए आपको मुंह की साफ सफाई करना भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए आप यदि सुबह और शाम दोनों टाइम आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं, मुंह की साफ सफाई रखते हैं, तो इससे आपकी ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो पूरी तरह से टल जाता है। इसके साथ साथ हम आपको एक बात और बता दें जो बहुत जरूरी है। ब्लैक फंगस ज़्यादातर उन लोगों को हो रही है जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज की बीमारी है, यानी शुगर के पेशेंट को ये बीमारी हो रही है, और दूसरा उन लोगों को जिन्होंने स्टेरॉयड की दवाओं का ज्यादा सेवन किया है। इनके अलावा बाकी लोगों को ब्लैक फंगस का उतना खतरा नहीं है। दोस्तों, ये बात आप याद रखें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताया गया नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।